धामरा निकटरे आसंता काली भोर 5:30 पाखापाखि समय रे पहुँचबार पूर्वानुमान करिछु। सेतेबेले यार पवन बेग 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गोष्ठी 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे। तापर मध्य या उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके ओडिशा उपकूल को धामरा एवं बालेश्वर मध्य मध्यान सुधा अतिक्रम करिबो। आज्ञा श्रीजुक्त महापात्र जो कथा कहा जाए वर्तमान जे जुआर उठवा नहीं तीनोटे स्थान रे जुआर उठिबो पानी आसिबो बोली से वास्तविक क्यों स्थान रहिबो तीनोटे स्थान नुहे चारिटे जिले रे जुआर आसिबो। आज्ञा सेटा होची बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर स्थान विशेष रे जुआर अलग अलग हे परे किंतु इन जनरल में कहूँ साधारणतः 2 रु 4 मीटर ज्वर आसिबो बालेश्वर एवं भद्रक जिले रे एवं पाखापाखि 2 मीटर ज्वर आसिबो केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर जिले रे। निश्चित भाव रे श्रीजुक्त महापात्र वर्तमान बात्यार तांडव केतेबेले देखिबा को मिलो माने पवन रो बेग पाखापाखि आज हुए तो संध्या सुधा या आरंभ होबार बा जहाँ वर्तमान आशंका करा जाउछि जे संध्या पाखरु हुए तो सबुठि प्रबल मात्रा रे वर्षा एवं पवन बहिबो पवन रो बेग कोन रहिबो एवं जेहेतु काली मध्यान रे लैंडफॉल करिबो बा काली मध्यान सुधा जदि लैंडफॉल करूछि सेतबेले समय रो पवन रो बेग कोन रहिबो एबे ओडिशा उपकूल निकट रे पवन रो बेग प्रायतः 50 रु 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलीछि समुद्र उपरे। धीरे धीरे पवन रो बेग बढ़िके आज 25 तारीख मध्यरात्रि परे पवन रो बेग 80 रु 90 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार आम अनुमान करुछु केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं भद्रक जिलार उपकूलवर्ती अंचल मानक बढ़ी बढ़िके काली सकाल समय 5:30 समय जो करुछु आम धामरा निकट रे आसी पहुँचबो से ही समय पवन रो बेग बढ़िके 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गोष्ठीनेस 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे। यह प्रथमतः भद्रक केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर जिले में हेबो एवं धीरे धीरे बढ़िके बालेश्वर जिला एवं मयूरभंज जिला आड़क आगे सबुठ बेसी पवन आपंकर अधिक होता है जोटी बात्याटे अतिक्रम करे तार राइट साइड रे तेणु भद्रक एवं बालेश्वर जिले में सबुठ बेसी अधिका पवन होलो आमर पूर्वानुमान तेणु ये चारोटी जिला कथा कहूँ से बर्तमान डायरेक्ट हिट्रे आसुची साइक्लोन रो बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा यहाँ पर मयूरभंज पाखे पवन 120 रु 130 किलोमीटर प्रति घंटा मध्य पारे जितेबाड़ भितर को चली साइक्लोन धीरे धीरे यह दुर्बल हो 27 तारीख सकाल बेलू आपणकर उत्तर आभ्यंतरण ओडिशार जो सब जिला रही है कि मयूरभंज केन्दर उप्रभाग सुंदरगढ़ देवगढ़ इत्यादि से सब जिला मानक पवन 60 रु 70 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाहित हो पारे। तेज श्रीजुक्त महापात्र बर्तमान बात्यार गतिपथ वर्तमान परिवर्तन नहीं किसी चांसेस रही कि नहीं गतिपथ परिवर्तन होबो नाही या रिकर्व करिवो नाही अन्य डाहाण पट को बेसी जीवो नाही जहां में कहूँ धामरा रो बालेश्वर मध्य यहाँ उपकूल को अतिक्रम करिवो। तबे वास्तविक भाव में जो कथा कहा जाउछि जे जेतेबेले लैंडफॉल करिवो किंबा बात्यार प्रभाव रे भद्रक एवं बालेश्वर ये दुईटी जिला अधिक प्रभावित रहिबो जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा अपेक्षा वास्तविक भाव में जदि संपूर्ण भाव में देखिबाय चारोटी जिला कथा मध्य एमानंकर किछि किछि अंचल ना पूरा संपूर्ण जिला रे ही प्रभाव पकाइबो समान प्रभाव संपूर्ण जिला रे विशेषतः उपकूल अंचल जे रहिछे सबटु बेसी प्रभाव होबो आभ्यंतरण अंचल जे रही रिलेटिवली कम प्रभाव रहिबो किंतु ये सब जिलार जब साइज आप देखिए आकार देखिए एगुड़ी विशेष बड़ जिला नुहंती तेणु संपूर्ण जिले में यार प्रभाव पड़ो। आज्ञा तेज शेष में श्रीजुक्त महापात्र लोक मानू कौन इनफर्मेसन देवाई चाहिए कारण बर्तमान देखा जाए लोक मैंने बात्या आश्रयस्थल को जाइना जदिव सरकार वर्तमान सुधा एम रहा जहाँ डेस्टिनेशन रही संध्या सुधा लोक इवाकुएसन करूँ बर्तमान सुधा लोक मैंने आश्रयस्थल को जाइना कौन निर्देश देवाई चाहिए कौन परामर्श देवे मुझे जरिया लोक अनुरोध करी जो मैंने असुरक्षित जगार अच्छा से माने निरापद स्थान को चली जावा उचित आश्रयस्थल चली जावा उचित जितेबाला सरकार आश्रयस्थल जाए कहते सरकार सहित सहयोग करवा उचित कारण ये जो पवन वर्षा एवं सामुद्रिक जुआर यहाँ अति भयंकर अटे एवं एथिरे बात्या आसापर से स्थानु जाए कि कहे पहुँचवा संभव हो ना तेणु आज संध्या सुधा
आमे माने जाई सुरक्षित स्थान रे रही जावा उचित जेपर्यंत बात्यार प्रकोप कमी ना से पर्यंत आम सुरक्षित स्थान रे आश्रयस्थल रहा उचित एवं जते बड़े कहा बात्यार प्रभाव कमी गलानी तापर जामें आश्रयस्थल छाड़ा उचित आज्ञा तेज श्रीजुक्त महापात्र बर्तमान राज्य विभिन्न स्थान में गच्छ उपुड़ा डाल पड़ा ये सबुर दृश्य आसला बर्तमान बात्या तार रूप देखा स्टार्ट कला कितु या भितर जिते बड़े अति पाख को निकट रू निकटतर होते बड़े स्थलभाग कौन विशेष प्रभाव पड़पा आपण बड़ बड़ गच्छ उपुड़ टेलीफोन खुंटी इलेक्ट्रिक खुंटी इत्यादि उपुड़ भांग जो नड़ा छपर घर एवं टीण घर आजबेस्टस घर माटी घर मध्य प्रभावित हेब एवं जो गुड़िक लूज स्ट्रक्चर रही से गुड़िक प्रभावित हेब पुरा पक्का घर प्रभावित हो पारे यहाँ सहित जो वर्षा हेब से आपंकर जल प्लावित हेब आप लो लाइन एरिया रही जिला मानक सहरांचल रही छोट छोट सहर सब रही से जो तलिया अंचल रही से गुड़ी जलमग्न हो पारे विशेषतः ये जो चार जिला आम कौ से जिलार जो उपकूलवर्ती अंचल से लुणा पा माड़ी आसीपे तेणु ये सब कु देख ये प्रभाव को देख राज्य सरकार और केन्द्र सरकार समस्ते मिसिक पदक्षेप नौ लोक मैंने बहुत सचेतन समस्ते मिसिकी आम यार सम्मुखीन होगा सुरक्षा आमको देवा अन्न मान को देवा निश्चित भाव में तेज श्रीजुक्त महापात्र जिते बात्या समुद्र भितर जिते बड़े बात्यार फर्मेसन हो सारी प्रथम चार तापर नापर सतर है ये जिते बड़े स्थलभाग आड़ आसूँ तेत पवन रति पवन रेग कौटिना कौटी कम कि स्थलभाग छुईवा यार पवन रेग धीरे धीरे कम कि आगु कम प्रश्न उठूना कारण समुद्र पृष्ठ बर्तमान अनुकूल रही वायुमंडल अनुकूल रही उभयों प्रभाव में आज संध्या सुधा यह गोटे अति प्रबल बात्यार परिणत हो बोली अनुमान करुछु आज्ञा तेज श्रीजुक्त महापात्र आ गोटे प्रश्न रही है जो कथा बर्तमान आकलन करा जाउछि समुद्र रे ज्वार पतन 2-4 मीटर उच्च रही है ये वास्तविक भाव में स्थलभाग को आसुचि स्थलभाग को माड़ के मात्रा पा आसवी बर्तमान आकलन कर साधारणतः आम पाखे प्रतिदिन जुआर आसी थाए से ही जुआर ठारू 2-4 मीटर अधिक उच्चतार जुआर बात्या सहित आसो यही जुआर प्रायतः जिते बड़े लैंडफॉल होता है तार 6 घंटा आगु आरंभ होता है धीरे धीरे सबुठ अधिक जुआर जो बात्या उपकूल अतिक्रम करें से समय बात्या उपकूल अतिक्रम कर आउ 6 घंटा मध्य जुआर रही थाए कि धीरे धीरे कमी कमी जाए तेणु जितेबाला आम कौ का मध्यान सुधा यही बात्याटी उपकूल अतिक्रम कर अर्थात पूर्वाह्न समय मध्यान समय यही बात्या सहित सामुद्रिक ज्वार सब बेसी अधिका हे भद्रक बालेश्वर जिले में 2-4 मीटर जाए एवं आपणकर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर जिले में पाखापाखि 2 मीटर ज्वार रही अनुमान कर जुआर जिते उठब से स्थल भाग में कते किलोमीटर पर्यंत पानी आसवा नहीं कौन यह निर्भर करे जो अंचल रे नदी रही से नदी दे कि बेसी दूरता पर्यंत यही पा जापे ना जो नदी ना खूब अल्प दूरता पर्यंत जा सीमित हो पाए जमीक नदी थाए तेज 7-8 किलोमीटर पर्यंत ज्वार जापे कि जो नदी ना से अंचल गोटे किलोमीटर कि 2 किलोमीटर मध्य सीमित रहीपे।